हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी एम सदफ काजी आज हम टाइट की तैयारी साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूजेस एंड इन्वेंटर्स ठीक है तो हम उनके यूजेस भी देखेंगे और उनके इन्वेंशन जिन्होंने उनको किया है उनके नाम भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में हर टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना इंस्ट्रूमेंट का यूज भी पूछ सकते हैं और उनके इन्वेंटर्स के नेम भी पूछ सकते हैं ओके okay? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे हम कैसे एग्जाम में आए हैं टाइट में प्रीवियस सेट्स में सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है हमारा एल्टीमीटर एल्टीमीटर का यूज क्या है इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स है ना एल्टीट्यूड्स मेजर करने के लिए एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं क्या एल्टीमीटर इंपॉर्टेंट है इनके इन्वेंटर है फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस पॉल कैलेटेट ठीक है इंपॉर्टेंट है ये भी एल्टीमीटर अल्फाबेटिकल वाइज है तो सारे इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए एमोमीटर एमीटर जो है वो मेजर्स इलेक्ट्रिक एले, करंट इंपॉर्टेंट है फ्रेडरिज ब्रेक्सलर ने इन्वेंट किया है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए नेक्स्ट है एनोमोमीटर यूज टू मेजर द स्पीड डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड ठीक है अगर विंड का आपको स्पीड फाइंड आउट करना है डायरेक्शन और उसका प्रेशर बता मालूम करना है तो आप एनिमोमीटर यूज करोगे किसने इन्वेंट किया था लिविन बटिस्टा एल्बर्टी नेक्स्ट है आपको ऑडियोमीटर ऑडियो मीटर ऑडियो से याद रख सकते हो आप आवाज है साउंड है तो साउंड से रिलेटेड कुछ होगा तो मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड ठीक है इन्वेंटर है इसके जॉर्ज वॉन बेक्सी जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था एक काम के लिए और हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट ठीक है दोनों के नाम याद रखेंगे नेक्स्ट है आपका बैरोग्राफ बैरोग्राफ जो है कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूअस आपको अगर प्रेशर रिकॉर्ड करना है कंटिन्यूसली तो आप बैरोग्राफ यूज करते हो इसके जो इन्वेंटर है वो है फ्रेंचमैन ल्यूसिन विडी ठीक है अब है बैरोमीटर बैरोमीटर जो है वो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और कंडीशन को मेजर करता है कंटिन्यूस नहीं करेंगे ये लेकिन ये मेजर करता है और कंटिन्यूस अगर रिकॉर्ड करना है आपको तो वो बैरोग्राफ है ठीक है दोनों भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ही यूज होते हैं तो बैरोमीटर का इन्वेंशन किया था एवान जेलिस्टा टोरेस्लि ने ओके नेक्स्ट है आपका बायनोक्लोअर बायनोक्र पता है आपको दूरबीन जिसको हम कहते हैं एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्निफाइड व्यूज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इसके जो इन्वेंटर है वो है जेपी लेमिया नेक्स्ट है आपका बोलोमीटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों क्योंकि इट मेजर्स इंफ्रारेड रेड हीट रेडिएशन इंफ्रारेड रेड अगर मेजर करने के लिए कॉन्स्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पूछे तो वो होता है बोलोमीटर इन्वेंट किए थे शेमोल पियरपॉन्ट लैंगले ने okay? ओके नेक्स्ट आपका कैलिपस कैलिपस जो है मेजर डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर वायर और इन, इनके इन्वेंटर है पेरी वर्नियर इंपॉर्टेंट है ये भी कैलोरी मीटर इस पर क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट कैलोरी मीटर ठीक है क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है और इनके इन्वेंटर है एंटोइन लेवाइसअर एंड पियर साइमन ठीक है पियर साइमन नेक्स्ट है आपका कार्बोरेटर कार्बोरेटर यूज फॉर चार्जिंग एयर विथ पेट्रोल वेपर्स है ना इन एन ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है कार्बोरेटर आपने नाम भी सुने होंगे कार्बोरेटर का और इसको फर्स्ट कार्बोरेटर को इन्वेंट किया था श्यामल मोरे ने ठीक है श्यामल मोरे नेक्स्ट है आपका ई ठीक है ई का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी ECG का फुल फॉर्म है ना कार्डियोग्राम में यूज होता है ये और ई का जो यूज है ट्रेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ ठीक है क्या करता है ट्रेस करता है मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट को और इनके इन, इन्वेंटर है विलियम एनटॉवेन इंपॉर्टेंट है कार्डियोग्राम जिसको हम ई कहते हैं ओके okay. तो ईसीजी का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पूछ सकते हैं एग्जाम में ईसीजी का फुल फॉर्म तो उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कार्डियोग्राम भी जिसको कहते हैं और क्या ट्रेस करता है ये मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट है ना तो ये इंपॉर्टेंट इनके इन्वेंटर का नाम भी याद रखेंगे विलियम एंड टॉबेन ठीक है नेक्स्ट है आपका कैथेटोमीटर डिटरमाइन हाइट्स एंड लेवल्स कैथेटोमीटर क्या करेगा हाइट्स और लेवल्स को डिटरमाइन करेगा इसके इन्वेंटर है फ्रेंच फिजिसिस्ट पी ड्यूलोंग एंड ए पेटिटी ठीक है नेक्स्ट है आपका क्रोरोनोमीटर इंपॉर्टेंट है डिटरमाइंस लॉन्जिट्यूड ऑफ ऑफ अ वेसल एट सी ठीक है लॉन्जिट्यूड अगर आपको फाइंड आउट करना है सी में तो आप क्या यूज करोगे क्रोनोमीटर जिसके इन्वेंटर है जॉन हैरिसन नेक्स्ट है आपका सिनेमेटोग्राफ यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन है ना सिनेमा सिनेमा से याद रख सकते हो आप सिनेमेटोग्राफ ऑक्सटन ल्यूमियर इंपॉर्टेंट है ये जो ऑक्सटन ल्यूमियर है ऑगस्टन ल्यूमियर जो है ये दो है इन्वेंटर्स जिन्होंने क्या किया था इन 1895 फाइव बिग स्क्रीन थैंक्स टू दिवोलूशनरी ठीक है तो ये सिनेमा का जो इन्वेंशन हुआ था ना वो इन्होने किया था ऑगस्टे ल्यूमियर इम्पॉर्टेंट है इसीलिए भी सिनेमेटोग्राफ ऐसा कैमरा बनाया था जो रिकॉर्ड कर सके प्रोजेक्ट पूरा बना सके फिल्म का और ये थे ऑगस्ट ल्यूम इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है ठीक है तो इम्पोर्टेंट को थोड़ा मैं मार्क कर देती हूँ आपका कोरोनोमीटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कार्डियोग्राम ठीक है जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम टिक करते चलेंगे देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस बन चुके हैं इस पर किस पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे वो भी देखेंगे हम आगे चलिए नेक्स्ट है आपका कलरीमीटर कम्परे कंपेयर्स इंटेंसिटी ऑफ कलर जिसको इन्वेंट किया था जॉन टी स्टॉक ने ठीक है कलरमीटर जॉन टी स्टॉक नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर कम्यूटेटर जो है यूज इन जनरेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर्स में यूज होते हैं ये कम्यूटेटर और इनका इन्वेंशन किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम स्टर्जन ने ठीक है क्रिस्कोग्राफ यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स ठीक है ग्रोथ इन प्लांट्स को अगर मेजर करना है कितना बढ़ रहा है प्लांट डे बाय डे तो वो किसने इन्वेंट uh, किया था जगदीश चंद्र बोस इंडियन साइंटिस्ट है ये तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्रिस्कोग्राफ क्रिस्कोग्राफ किस क्या करता है ये यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स जगदीश चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है आपका क्रायोमीटर मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर ठीक है तो यहाँ पे इन्वेंटर का नाम नहीं है हमारे पास अभी तो क्रायोमीटर जो है क्या करता है मेजरमेंट ऑफ लो लोएस्ट टेम्परेचर अगर हमको मेजर करना है तो हम यूज़ करते हैं क्रायोमीटर ठीक है क्रायो आप इसका आंसर मुझे अगर आप सर्च करके बता सकते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्रायोमीटर का इन्वेंशन किसने किया है ओके चलिए साइक्लोट्रॉन यूज फॉर एक्सीटिंग चार्ज पार्टिकल इन माइक्रोवेव ऑसिलेटर तो इसको इन्वेंट किया था अर्नस लॉवेंस ने ठीक है नेक्स्ट है आपका डिलेटोमीटर डिलई डायलेटोमीटर जिसको हम कह सकते हैं मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनका इन्वेंशन किया था अबे एंड फिजीद इन द सेकेंड हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ठीक है नेक्स्ट है आपका डायनेमो कवर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है डायनेमो कन्वर्ट करता है ये ठीक है यहाँ पे कन्वर्ट्स होना चाहिए कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका इन्वेंशन किया था माइकल फेरोडे ने इम्पॉर्टेंट है ये डायनेमो ठीक है इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायनेमो डायनेमो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके इन्वेंटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है माइकल फेरोडे चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर जो है मेजर्स वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इनके इन्वेंटर है विलियम स्नो हैरिस विलियम स्नो हैरिस तो इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो लग रहा है मुझे उसको मैं टिक करते चल रही हूँ आप उसको लिख के लिस्ट बना के रखिए सिर्फ सुनने से आपको चीजें याद नहीं होंगी जब तक कि आप उसको लिखोगे नहीं ना तब तक आप उसको याद नहीं रख सकते हो फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एग्जाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला है ये आपको तो थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा आपको लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट की और उनके इन्वेंटर्स की प्लस उनकी यूज़ेस भी आपको लिखना पड़ेगा ओके चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमीटर हो गया है, हमारा इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है अगर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंस है कोई चीज में तो हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं जिसके इन्वेंटर है विलियम गिलबर्ट नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है यूज टू ऑप्टेन अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मैक्स स्मॉल एंड आनस रुस्का ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक छोटी सी छोटी चीज को देखने में हमको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट है ये भी एंडोस्कोप टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी है ना एंडोस्कोपी आपने सुना होगा नाम एंडोस्कोपी की जाती है बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए उसका इन्वेंशन किया था बॉजीनी ने ठीक है बॉजीनी नेक्स्ट है आपका फेदोमीटर मेजर डेप्थ ऑफ द ओशन ओशन का डेप्थ कौन मेजर करेगा तो वो है फेदोमीटर हर्बर्ट ग्रूव डोर्सी हर्बर्ट ग्रूव डॉर्सी नेक्स्ट है आपका फ्लक्स मीटर मेजर्स मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इन्वेंशन किया था मूलर मार्टिन ठीक है मुलर मार्टिन नेक्स्ट आपका गेलवेनोमीटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गैल्वेनोमीटर का मेजर किए मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है जॉन स्केविगर जॉन स्केविगर नेक्स्ट है आपका ग्रामोफोन 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 यूज टू रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डेड साउंड है ना ग्रामोफोन क्यों यूज किया जाता है रिप्रोड्यूस द रिकॉर्डेड साउंड और ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया था फ्रेंच इन्वेंटर एडोर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिन ठीक है नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटर का इन्वेंशन किया था विलियम निकोलसन ने मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड ठीक है डेंसिटी अगर लिक्विड की हमको फाइंड आउट करना है तो कौन आ, यूज आता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज आता है हाइड्रोमीटर हाइड्रो से आप याद रख सकते हो मींस पानी है ना तो हाइड्रोमीटर तो मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स विलियम निकोलसन जो थे उसके इन्वेंटर थे नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन मेजर साउंड अंडर वाटर है ना पानी के अंदर जो साउंड को मेजर करेगा वो कौन करेगा हाइड्रोफोन इन्वेंटर है रेगिनाल्ड फेसी फेसेंडेन ओके नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर इसपे क्वेश्चन बन चुका है हाइग्रोमीटर जो है यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट और द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और एनी गैस ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को मेजर करने के लिए एयर में कितनी प्रेजेंट है यूज होता है हाइग्रोमीटर और इसके इन्वेंटर है हॉरेस बेनेडिक डी सॉस्ट्रे ठीक है इंपॉर्टेंट है ये हॉरेस बेनेडिक्ट डी सॉस्ट्रे ठीक है तो हाइग्रोमीटर क्यों यूज़ करते हैं ये यूज याद रखना जरूरी है आपको क्या करता है ये मॉइस्चर का जो है कंटेंट है एयर में प्रेजेंट या ह्यूमिडिटी जो प्रेजेंट है उसको मेजर करता है हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर क्या करेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोफोन क्या करेगा साउंड अंडर वाटर ठीक है तो ये नाम और उनका यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोस्कोप हाइग्रोस्कोप क्या करेगा शो द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखना है हमको तो हाइग्रोस्कोप यूज करते हैं रॉबर्ट हुक ने इसको इन, इसका इन्वेंटर है इनके ठीक है हाइग्रोस्कोप के हिप्सोमीटर डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी लिक्विड का आपसे टाइट uh, के एग्जाम में तो पूछा भी गया है बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ वाटर है ना तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वो होता है हिप्सोमीटर हिप्सोमीटर और बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज होता है मेजरिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड और इनके इन्वेंटर है वाइने आर नॉर्मन पूछ सकते एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछने के चांसेस है कौन है इन्वेंटर तो वाइने आर नॉर्मन और हिप्सोमीटर क्या करता है डिटरमाइन डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स सेम है लेकिन इनका मेजरिंग जो है अलग अलग चलिए आपका सेक्सटेंट क्यों यूज होता है सेक्सटेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंगुलर डिस्टेंस को यूज करने के लिए ये दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज होता है जॉन कैमवेल जो है इसके इन्वेंटर है यूज बाय नेविगेटर्स टू फाइंड द लेटीट्यूड ऑफ प्लेस है ना ऑब्वियसली ग्लोब जो है लेटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपने सुने होंगे जोग्राफी में वहां ही उसका यूज होता है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए अगर नेविगेटर्स टू फाइंड द लेटिट्यूड ऑफ प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबाउट अबाउट दॉरिजोन ऑफ द सन और अनदर स्टार ऑल्सो यूज टू मेजर द हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है सेक्सटेंट और उसका ये यूज भी इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट जो इन्वेंटर है उसके जॉन कैम्बेल नेक्स्ट है आपका सिस्मोग्राफ क्वेश्चन बन चुका है अर्थ क्वेक में यूज होता है ये यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ शॉक जॉन जॉन याद रखना Milne, ठीक है सिस्मोग्राफ किसको मिला था तो जॉन मिलने को मिला था यह सब याद रख सकते हो आप जॉन मिलने जो थे उन्होंने लाए थे सिस्मोग्राफ जो अर्थ क्वेक के इंटेंसिटी और जो उसका ओरिजिन है वो बताता है जॉन मिलने याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप यूज फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस रॉबर्ट विलहेम बंसन चलिए नेक्स्ट है स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल है, है ना और इसके जो इन्वेंटर है क्रोटियन जोसेफ बेलूसिक स्फेरोमीटर नेक्स्ट है मेजर कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है आपका स्फिगमोमेनोमीटर मेजर ब्लड प्रेशर ठीक है बीपी जिससे हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है स्फेगमो मैनोमीटर ठीक है इंपॉर्टेंट है बी ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है आपने देखे भी होंगे घर में उसको उसका साइंटिफिक नेम भी देख लेंगे आप स्फेगमो मैनोमीटर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर तो स्पेग्नो मैनोमीटर इसके जो इन्वेंटर है वो है शेमोल सिगफ्रेड कार रिटर्न वन बास्ट इंपॉर्टेंट है ये चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेटोस्कोप स्टेटोस्कोप यूज फॉर हियरिंग एंड एनालिसिस द साउंड ऑफ हार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिने एनैक ठीक है रिने एनैक ने इसको इन्वेंट किया तो इन्वेंटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है चलिए टैचोमीटर टू डिटरमाइन द स्पीड स्पेशली रोटेशनल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट जेम्स डब्ल्यू एलन एन गैल्वेनोमीटर गैलवेनोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट एंड्री मैरी एम्फियर चलिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट ये गैलवेनोमीटर नेक्स्ट है आपका टेलीमीटर रिकॉर्ड्स फिजिकल हैपनिंग एट अ डिस्टेंस प्लेसेस सी के टेलीमीटर रिकॉर्ड्स फिजिकल हैपनिंग ये हो गया हमारा टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट है टेलीस्कोप यूज फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट पहले हमने बायनिकुलर देखे थे अब ये टेलीस्कोप हैफर्शी इम्पॉर्टेंट इसलिए है टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करने के लिए इन्वेंटर का नाम भी इम्पोर्टेंट है हैंस लिफर्शी थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर गैलीलियो एंड गैलीलि ठीक है नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टार्ट ऑटोमेटिकली रेगुलट टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट पॉइंट वॉरन एस जॉन्सन वॉर एस जॉनसन तो थर्मोमीटर का जो मेजर जो हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है थर्मोमीटर उसका इन्वेंशन किया था गैलीलियो गैलीली ने ठीक है सबसे पहले फिर बाद में जो हमारा अभी मॉडर्न थर्मोमीटर आ चुका है 1709 में आया था वो डैनियल फेरनेट ने किया था तो कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ऑप्शन में आपका गैलीलियो गैली दिया हुआ है तो आंसर वही होगा अगर गैलीलियो गैली नहीं दिया हुआ है फेरनेट दिया हुआ है तो फिर आंसर आपका फेरनेट होगा ठीक है लेकिन थर्मोमीटर का सबसे पहला इन्वेंशन जो सबसे पहले जो किए थे वो थे गैलीलियो गैलीली बाद में जो मॉडर्न थर्मोमीटर आया तो डैनियल फेरेनेट ने ठीक है दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते एग्जाम में क्योंकि या तो फिर गैलीलियो गैलीली आएगा या फिर आपका डैनियल फेरेनेट आएगा चलिए नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टार्ट थर्मो, स्टार्ट। थर्मो स्टार्ट क्या करता है ऑटोमेटिकली रेगुलट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट पॉइंट है ना और इसके जो इन्वेंटर है वो है वैरन एस जॉनसन इम्पॉर्टेंट है ये थर्मोस्टैटिक बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं है ना गर्म पानी वगैरह यूज करने के लिए जो वही टेम्परेचर में हमारी चीजों को रखता है सेम टेम्परेचर में जिसमें हम जो टेम्परेचर में हम उसमें फिल करते हैं तो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है आपका टोनोमीटर मेजर्स द पिच ऑफ अ साउंड जॉन ऑन ऑस्टिन ठीक है टोनोमीटर भी इम्पॉर्टेंट है पिच ऑफ अ साउंड कौन मेजर करेगा जो पिच होती है साउंड की पिच जो होती है जो गर्ल्स की ज्यादा होती है मेल के कंपेयर में वो पिच कौन मेजर करता है टोनोमीटर ठीक है और उसके जो इन्वेंटर है वो जॉन ऑस्टिन है इंपॉर्टेंट है ये भी नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मर एंड अपराटस यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो एंड चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी तो वो है आपका ट्रांसफॉर्मर और ऑटो तो ब्लाथ जो है उसके इन्वेंटर है इंपॉर्टेंट है ये भी नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोंडर ट्रांसपोंडर क्या करता है टू रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट रिप्लाई इमीडिएटली इन सैटेलाइट्स चार्ल्स एम एम्ब्रेडमैन ने इसको इन्वेंट किया था फिर है आपका वेंटुरी मीटर मेजर्स द रेट फ्लो ऑफ लिक्विड्स ठीक है वेंटुरी मीटर और इसके इन्वेंटर जो है वो है क्लेमेंस हर्षेल नेक्स्ट है आपका वर्नियर मेजर स्मॉल सब डिविजन ऑफ स्केल है ना जो स्मॉल सब डिविजन स्केल में होते हैं वो वर्नियर ने इन्वेंट uh, किए थे और uh, उनका साइंटिस्ट का जो इन्वेंटर है उनका नाम ही पियर है वर्नियर है और इंस्ट्रूमेंट का नाम भी क्या है वर्नियर है नेक्स्ट है आपको विस्कोमीटर इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कौन मेजर करेगा तो विस्कोमीटर एडवर्ड एच जिटफुक्स ठीक है ये इसके इन्वेंटर है वोल्ट मीटर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू जो है, इसके इन्वेंटर है, भी है. से आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करेगा ऑटोब्लैथी ठीक है ये भी ऑटोब्लैथी है ट्रांसफॉर्मर और वॉट मीटर भी आपके ऑटो ब्लैथी ही है वेव मीटर टू मेजर देंथ ऑफ रेडियो वेव हाई फ्रिक्वेंसी वेवस पॉल डी जोटू पॉल डी जोटू जो है वो है इन्वेंटर वेव मीटर के ओके तो सारे इंपॉर्टेंट कवर करने की कोशिश की है एक और वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर्स के नाम इन्वेंशन जो किए थे है ना एरोप्लेन हो गया बाइफोकल लेंस हो गया है ना तो उसपे एक अलग वीडियो बनेगा जो इन्वेंशन इन्वेंटर्स के नाम रहेंगे उसमें सिर्फ एरोप्लेन हो गया ग्रामोफोन हो गया वो अलग चीज़ है ये वीडियो किस पर है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनके यूज और उनके इन्वेंटर पे है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टाइट में पूछे गए हैं गैलवेनो नीटर इज टू तो इलेक्ट्रिक करंट एज स्पेक्ट्रोमीटर इज टू तो कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट हमने देखे है पीछे अगर आपने लिस्ट नहीं देखी होंगी तो ध्यान से आप पढ़िए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ विंड स्पीड भी पूछा है इसका भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताई हूँ हाई टेम्परेचर का भी हमने इंस्ट्रूमेंट देखे है डेंसिटी ऑफ गैसेस के लिए भी देखे है तो आने वाले एग्जाम में ये जो ऑप्शन है ना इनको ही चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं इसलिए सारी लिस्ट इंपॉर्टेंट है ओके okay? चलिए तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कंपोजिशन ऑफ लाइट के लिए क्या यूज होगा स्पेक्ट्रोमीटर और गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का बिहेवियर को यूज स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है तो वो होता है आपका सोनोमीटर ओके okay? क्योंकि बैरोमीटर हमने देखे हाइड्रोमीटर भी हमने देखे पीछे हाइग्रोमीटर भी हमने देखे पीछे है ना तो इसका सही आंसर है सोनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज होता है तो पायरोमीटर देख रहे हो आप सारी जो लिस्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट हमने बोलोमीटर भी देखे हमने कैलोरीमीटर भी देखे हमने थर्मोमीटर भी देखे इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो है पायरोमीटर हुई इज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल रडार ठीक है फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ रडार के इन्वें इन्वेंटर कौन है तो वह सर रॉबर्ट वाटसन वॉट सर रॉबर्ट वाटसन वाट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी एक्सरे का भी पूछा है आ, कोई सेट में क्वेश्चन है तो रॉन्ग टर्न विलियम के रॉन्ग टर्न जो है वो एक्सरे इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी इन्वेंशन पे जिसमें एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया वो भी इन्वेंशन रहेगा अभी तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स ही देखे हैं, ठीक है तो ये एक्स रे जो है वो विलियम एंड रॉन्गटन ने किया था चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक अभी हमने देखा सिस्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताता है है ना कार्डियोग्राफ भी हमने देखे ईसीजी में जो यूज होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में बैरोग्राफ भी देखे हमने और फिजियोग्राफ भी आई थिंक है हमने लेकिन सिस्मोग्राफ क्या करता था इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को मेजर करता है चलिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे दो क्वेश्चन के आंसर देना है प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इंडिया में किसको कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन यानी मिल्क वाइट से मिल्क है मिल्क के रिवोल्यूशन के लिए किसका नाम फेमस है इंडिया में और आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया ठीक है ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसने लाया है तो उनका नाम दो नाम आप मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग